रायसेन जिले में नवरात्रि के दौरान दुर्गा झांकियों में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन एक झांकी पर लव जिहाद की थीम पर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसके माध्यम से युवतियों को बचने का संदेश दिया गया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नवरात्रि पर्व के दौरान लग रही दुर्गा झांकियों के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक झांकी में स्थानीय स्तर पर कलाकारों द्वारा लव जिहाद की थीम पर कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसको लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। रायसेन की एक झांकी में एक नाट्य के दौरान ऐसा ही संदेश देकर लव जिहाद से बचने का संदेश दिया गया। इस संबंध में आयोजकों का कहना है कि आए दिन जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए इस नाटक के माध्यम से प्यार के चक्कर में भटक रही लड़कियों को यह संदेश और प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है कि प्यार के चक्कर में वे अपने धर्म को ना छोड़ें तथा लव जिहाद से बचें। इस नाटक के कलाकार का कहना है कि लड़कियों को सावधानी रखनी चाहिए, वे दूसरे समुदाय के लड़कों के बहकावे में ना आए, अपने परिवार की और माँ बाप की इज्जत को बनाए रखें। आपने झांकी में जो लव जिहाद वाला वो किया है नाटक, तो ये थीम कहाँ से आपके दिमाग में आई? सर, जो हमारे देश में अभी जो चल रहा है, लगातार ऐसे मामले आते जा रहे हैं हमारे सामने कि दूसरे समुदाय के लोग जो हमारी बहन बेटियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनसे शादी करते हैं, उसके बाद ऐसे कई मामले हमारे सामने आते हैं। न्यूज़ पे हमें हर रोज़ देखने को मिलता है कि आज ये लड़की लव जिहाद की शिकार हुई, कभी 17 साल की नाबालिग बच्ची जाती है, तो कभी 19 साल की, तो कभी 14 साल की भी चली जाती हैं, रेप भी हो जाते हैं कई बच्चियों के। तो उनको प्रेरित करने के लिए हमने ये थीम बनाई। तो क्या क्या था थीम में, क्या आपने मंचन किया था? हमने ये मंचन किया था कि हमारे धर्म की जो लड़कियां हैं वो इस नाटक से प्रेरित हों, कट्टर हों थोड़ी, अपने धर्म के लिए सोचें और अपने धर्म पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि दूसरे समुदाय पे ध्यान दें, अपने धर्म के लोगों पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने धर्म पे ज़्यादा ध्यान दें। मैं ये मैसेज अपनी हमारे धर्म की लड़कियों को देना चाहती हूँ, ताकि वो दूसरे धर्म की लड़कियों से लड़कों से शादी कर लेती हैं और उन्हें पता चलता है बाद में कि वो लड़के दूसरे धर्म के हैं और उन्हें मतलब शोषण करके छोड़ दिया जाता है। और मैं उन्हें बस यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब कि हमारे परिवार को कितनी शर्मंदगी महसूस होती है। और क्या क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? लव जिहाद से सावधान रहें, किसी के चक्कर में ना पड़ें। हाँ, माँ बाप की, अपने माँ बाप की सुने, अपने माँ बाप जो कहें वही माने। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन से कुमार राजेश की रिपोर्ट।